नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आपने भी सुना होगा कि सियासत में कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होते हैं। सियासत में अक्सर अपने घाटे और नफा को देखते हुए लोग दोस्ती और रिश्तेदारी निभाते हैं और साथ में एक साथ चलते हैं। आइडियोलॉजी की भी कहीं ना कहीं बीच में आती है और उसको लेकर के भी लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन फिर भी सत्ता और सियासत के लिए लोग एक साथ आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है बिहार में, और बिहार में अक्सर नीतीश कुमार को तो आप जानते ही हैं। नीतीश कुमार कई बार अपनी आइडियोलॉजी से समझौता करने और जिसके विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं उसी के साथ चले जाते हैं। ये परंपरा ऐसी हो गई है कि अब बिहार में इसे एक सामान्य सी प्रक्रिया के तहत लिया जाने लगा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है कि नीतीश कुमार के एक बहुत करीबी रहे शख्स, जो उनसे काफ़ी समय से दूर रहे हैं, अलग पार्टियों को वो बूस्ट अप देते रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों को लेकर के वो नीतीश कुमार से अलग हुए थे, कभी नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं और समय समय पर वो अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ भी जुड़े रहे हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई थी और पार्टी बनाने के साथ साथ उन्होंने अपने पार्टी को चुनाव लड़ने की भी तैयारियां की थी। आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार के साथ रहे या नीतीश कुमार के दूर रहे, लेकिन चर्चा में ज़रूर रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के उनकी तल्ख टिप्पणियाँ भी नोट की गई हैं। आपको बता दें कि इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 2025 के चुनाव से पहले अब उस शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है, जिस मुहूर्त पर वो एक बार फिर से नीतीश कुमार के करीब आएँ और तीर थामें। आपको बता दें कि इसके लिए नीतीश कुमार के कई करीबी इस बात का इंतजार कर रहे हैं। इन सभी बातों में एक बात तो साफ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं उन स्थितियों को लेकर के अब एक दूसरे को साथ लाने की कोशिश की जा रही है। अब इस कोशिश में एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ से भी हामी भर दी गई है और इसी को लेकर के संभावनाएँ तलाशी जा रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे के खिलाफ बयान देकर यह साबित करने में दोनों लगे रहे हैं कि कौन सही कौन गलत। कई दशक बीत गए और एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते रहे। आपको बता दें कि राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो ये दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरक भी रहे हैं और एक दूसरे के विरोधी भी रहे हैं। अब जबकि इन सारी बातों का समय समाप्त हो गया, 2025 के चुनाव की जमकर तैयारी चल रही है, तो इस चुनाव के दौरान जो समीकरण बन रहे हैं उन समीकरण के हिसाब से एक दूसरे को साथ लाने के लिए सारी तैयारियां की जा रही है, और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में एक बात तो साफ साफ नज़र आता है कि नीतीश कुमार के कट्टर सियासी दुश्मन रहे वो भी अब नीतीश कुमार के साथ 2025 में चुनाव लड़ने के लिए और साथ चलने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। एक ही नाव पर सवार होकर के 2025 की बैतरणी पार करना चाहते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी से सक्रिय हैं। ऐसे में वे जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने के लिए तर्कस में सारे तीरों को एक साथ रखना चाहते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई लोगों को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया है। पहले भी उपेंद्र कुशवाहा को भी आपने देखा कि उन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने साथ बुलाया और लंबे समय तक साथ चले, हालांकि बहुत लंबा नहीं रहा। इसके साथ साथ एक चर्चा और भी चलती है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के करीब हैं और फिर से एक बार पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ और कई लोग हैं जिनको लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के संपर्क में है और नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार के साथ मिलकर सियासी संघर्ष की तैयारी में लगे कई लोगों में एक नाम और भी है जो लगातार कई दलों के साथ जुड़े रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में वो लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान की पार्टी में रहे और चिराग पासवान की पार्टी में रहते हुए उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया, और बता दें आपको कि नीतीश कुमार के विरुद्ध जिस तरह से चिराग पासवान ने बिगुल फूंका था उसके सबसे बड़े झंडावदार कहे जा सकते हैं। नीतीश कुमार की नज़र ऐसे ही कई नेताओं पर है जो आने वाले 2025 के चुनाव में सारे समीकरणों में फिट बैठते हैं। नीतीश कुमार से लेकर उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास पासवान की पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा चुके इस नेता ने लोकसभा चुनाव भी जीते हैं और सांसद बनके दिल्ली भी गए हैं।
सियासी सबक सीखने के कारण अब ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हैं और नीतीश कुमार के साथ 2025 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बीच में आपने देखा होगा कि लोकसभा का चुनाव भी एक अलग पार्टी से उन्होंने लड़ करके अपनी उपयोगिता सिद्ध करने की कोशिश की। नीतीश कुमार के कई हितैषी हैं, कई करीबी हैं, जो इन दोनों को एक साथ ला करके एक समीकरण बनाना चाहते हैं, जिसमें नीतीश कुमार का जो समीकरण बिखर रहा है वो उनके साथ जुड़ जाए। सूत्रों का कहना है कि ये नेताजी दल में शामिल कराने से पहले नीतीश कुमार की ओर से जो हामी हो चुकी है, अब इंतजार कर रहे हैं कि सही समय कब हो। इसी बीच आपको बता दें कि 14, हमने आपको बताया भी था कि 14 जो दिसंबर है उससे पहले बिहार में कई राजनीतिक उथल पुथल मचेगी और कई नए समीकरण जुड़ने और टूटने की बातें कही जा रही है। सारे गीले शिकवे भुला करके नए सिरे से जनता दल यूनाइटेड संग मिलकर नीतीश कुमार का तीर लेकर एक बार फिर से संधान करेंगे और अपने विरोधियों पर प्रहार करेंगे। ये नेताजी पूरी तरह से अब तैयार हो चुके हैं, लेकिन सियासत में कोई किसी का अस्थाई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। इस बात को, इस लोकोक्ति को एक बार फिर से प्रमाणित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी पुरानी रंजिश भुला करके नीतीश कुमार के पीछे पीछे उनका तीर लेकर के चलने के लिए ये नेताजी तैयार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कब और कैसे ये आते हैं और किस तरह से आते हैं, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आने का समय कौन सा निर्धारित किया जाता है। इधर नीतीश कुमार काफ़ी परेशान भी चल रहे हैं, क्योंकि इन जो 4 सीटों का उपचुनाव हुआ है उसमें बेलागंज में नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा फंसी हुई है, और प्रतिष्ठा अगर निकल जाती है, अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद की परिस्थितियाँ अलग होंगी, लेकिन अगर नीतीश कुमार चुनाव हार जाते हैं तो उसके लिए भी परिस्थितियाँ अलग होंगी। अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के साथ क्या हो रहा है और भीतरखाने में नीतीश कुमार के विरुद्ध कौन सी साजिश चल रही है, कौन कर रहा है, ये सभी बातें हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7-layer सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाला है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितने भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।